बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज से पहले जो आपके पास टॉपिक है टेक्स्ट बुक में, जो आपकी मैथ्स की बुक है, उसको निकालेंगे। एक्सरसाइज 6.11 से पहले आपके पास है टॉपिक है सिग्मा नोटेशन और समेशन नोटेशन, और पेज नंबर आपके पास है 226। ठीक है, पेज नंबर 226 निकालेंगे बुक का। सिग्मा नोटेशन और समेशन नोटेशन हम पढ़ने लगे हैं। द ग्रीक लेटर सिग्मा इज़ यूज टू डोनेट द सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी मुख्तलिफ टाइप्स के सम को डोनेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द नोटेशन सिग्मा आई 1 to m ए आई इज़ यूज टू एक्सप्रेस द सम ए आई, और आई आपके पास m से n है। ठीक है, इज यूज टू एक्सप्रेस द सम, आपके पास जो सम है वो किसको एक्सप्रेस करने लगा है। देखिए, एम क्या है, 1 से लेकर n तक है, एम प्लस ए एम प्लस 1 प्लस ए एम प्लस 2, और कहाँ तक जाना है, ए एन तक। तो ए एन हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इज रिटन, और अगर इसमें सीरीज आपके पास गिवन हो तो हम इस तरह लिखेंगे 1 + 3। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीरीज है +5 + n टर्म्स। अब ये जो आपके पास सीरीज़ है इसको ज़रा गौर से देखें, आपके पास ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5, तो अब इसको हम सम के तौर पे लिख सकते हैं। 2k-1, 2k-1 ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और k1 से लेकर n तक हो जाएगा। जब आप इसमें k1 पुट करोगे, 2k-1 में k1 पुट करोगे, तो 2-1 पहला आंसर 1 आ गया। जब आप 2 पुट करोगे, 2 to the 4, 4-1 आपके पास 3 दूसरा आंसर। ठीक है, फिर i इज इक्वल टू 3 है, जब k इज इक्वल टू 3 आप पुट करते हो तो 3 to the 6-1 5 आ जाएगा आपके पास, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद है वेयर 2k-1 इज़ अ kth टर्म ऑफ द सम एंड k इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ समेशन। हम इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ समेशन कहते हैं। एंड n आर कॉल द लोअर लिमिट। ठीक है, n आपके पास क्या है, लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द समेशन रिस्पेक्टिवली। इसमें हमारे पास k1 से लेकर n तक है। ठीक है, फिर आपके पास लोअर और अपर लिमिट्स को रिप्रेजेंट करें, यानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सम, कहाँ पे एंड हो रहा है हमारे पास। अब आगे देखें, इसके एग्जांपल देखें, जैसे 1 + 2 + 3 + 1 n, ये है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसका सम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा k 1 से लेकर n तक, और k लिख देंगे। ठीक है, अब k जब आप 1 लिखोगे तो पहला नंबर आ जाएगा, 2 लिखोगे तो दूसरा आ जाएगा, 3 लिखोगे तो तीसरा, और सिग्मा का मतलब सम हो रहा है तो इसमें प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब k स्क्वायर है, यानी टर्म्स का स्क्वायर और ऐड हो रहे हैं, तो सेकंड वाला, फिर तीसरे वाले में क्यूब है तो टर्म का क्यूब और वो ऐड हो रहे हैं, तो सिग्मा k क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनके आंसर्स एवेल्युएट करने हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शो भी किए थे बिल्कुल एंड में, सिग्मा k, सिग्मा k स्क्वायर और सिग्मा k क्यूब के आंसर्स। ठीक है, फार्मूलाज जो हमने एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं, तो आज हम इनको एवेल्युएट करेंगे। ठीक है, अब वही एवेल्युएट के रेस टू द पावर, आपके पास क्या है, एम माइनस के माइनस वन रेस टू द पावर एन एम, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एम, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एम इसकी वैल्यू है। ठीक है, पॉजिटिव मस्बत इंटीजर पूरा नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, हमने यहाँ मेंशन कर दिया, बता दिया पॉजिटिव इंटीजर समझ लेने। एंड वी शैल यूज दिस एक्सप्रेशन, अब हमने इनको यूज़ करने, इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने के लिए, सबसे पहले k रेस टू द पावर m माइनस k माइनस 1 रेस टू द पावर m। ठीक है, आप इसमें k की जगह 1 पुट करें, ज़रा देखें, जब आपने k की जगह 1 पुट किया तो आपके पास k की पावर m यानी 1 की पावर m आ गया। आगे क्या लिखा हुआ, k माइनस 1, k की जगह क्या हमने यूज़ किया, 1, 1-1, 0। अब दूसरे वाला देखो, k की जगह जब आपने 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, 4, फिर n एंड सोन। ठीक है, अब इन सबको जब आपने सॉल्व किया ना, तो आपके पास आंसर आया n की पावर n। अब ये आंसर कैसे बना, ये इसके ऊपर वाला रिजल्ट देखें, जब आपने k 1 से लेकर n तक पुट किया था, पहले वाली ब्रैकेट में 1-0, 1 रेस टू द पावर m - 0 रेस टू द पावर m, प्लस फिर 2 रेस टू द पावर m - 1 रेस टू द पावर m। अब ये वाला 1 नेगेटिव 1 है और सबसे स्टार्ट वाला पॉजिटिव, कैंसिल हो गए,
नेक्स्ट ब्रैकेट में नेगेटिव टू है और ये पॉजिटिव टू कैंसिल, इस तरह सारे नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एंड वाला बच जाएगा एंड वाली ब्रैकेट में एन रेज टू द पावर एन, इसलिए इसका आंसर आया एन रेज टू द पावर एन। किसका आंसर आया, ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं ना, के की पावर एम माइनस के माइनस वन रेज टू द पावर एम और के वन से लेकर एन तक है, तो इसका आंसर आपके पास आया है एन रेज टू द पावर एम। उसके बाद आप देखें के वन टू एन, ये आपने लिख दिया इसका आंसर एन रेज टू द पावर एम, ठीक है। जब आप एम आप वन लेंगे, ठीक है, तो एन की पावर एम है ना, तो एन की पावर वन हो जाएगी, ठीक है। टू लेंगे तो टू हो जाएगी एंड सो ऑन, जो आप रिजल्ट यानी जितनी पावर लेंगे वही आंसर आपके पास उस तरह आ जाएगा। अब आपने इनके फार्मूलाज को अवेल्यूएट करना है, पेज नंबर 227 बुक पे आप देखेंगे, ठीक है। सिग्मा के का आंसर निकालना है, सिग्मा के स्क्वायर का और सिग्मा के क्यूब का, फिर हमने इनको एक्सरसाइज में यूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास हम वी नो डैट के स्क्वायर माइनस के माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू टू के माइनस वन। अब ये आंसर कैसे बना है जरा गौर से देखें, ठीक है। यहाँ पे मैंने बढ़ा करके आपको शो कर दिया है, आपके पास है के स्क्वायर, ठीक है, वैसे आ गया। अब के माइनस वन का स्क्वायर ओपन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी के स्क्वायर, फिर प्लस वन माइनस टू के आएगा ना। अब नेगेटिव जब आप अप्लाई करोगे तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास टू के माइनस वन बच जाएगा, इसलिए ये रिजल्ट आया। उसके बाद है टेकिंग समेशन, ये जो आपके पास रिजल्ट आ गया ना वही नो डेट वाले, इसके दोनों साइड पर अपने समेशन अप्लाई कर देना, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए। एंड वी हैव के इक्वल टू वन लेंगे, इक्वेशन वन इसको कहा था हमने, ठीक है। आपने दोनों तरफ समेशन अप्लाई किया, ठीक है। अब आपके पास आ गया सिग्मा के वन टू एन के स्क्वायर माइनस के माइनस वन स्क्वायर, ठीक है। अब हम ज़रा पिछले पेज पे चलते हैं दोबारा से, ज़रा देखें आपके पास जो आंसर था ये वाला एम इक्वल टू वन वाला, सिग्मा के वन टू एन के रेस टू द पावर एम माइनस के माइनस वन रेस टू द पावर एम इक्वल टू एन रेस टू द पावर एम। हमने ये पढ़ा कि एम अगर वन लेंगे तो एन की पावर वन आ जाएगा, अगर आप टू लेंगे तो एन की पावर कितनी आएगी, टू आएगी। के रेस टू द पावर टू माइनस के माइनस वन रेस टू द पावर टू किसके बराबर होगा आपके पास, सिग्मा अप्लाई करने के बाद एन स्क्वायर के। अब ये वाला रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है ना, ये वाला देख रहे हैं आप एन स्क्वायर, ये तो हो गया लेफ्ट साइड पे। अब राइट साइड पे ज़रा देखते हैं कि ये वाला आंसर कैसे बना के माइनस एन वाला। देखें टू और आ गया सिग्मा के, ठीक है, टू बाहर आ जाएगा, सिग्मा किस पे अप्लाई होगा, के पे, ये देख ले। उसके बाद क्या बचा, माइनस वन। जब आप कांस्टेंट नंबर्स पे सिग्मा अप्लाई करना है ना तो उसका आंसर आ जाएगा वो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई बाय एन। जैसे आपके पास वन है, वन पे आप सिग्मा अप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा वन एन, हम उसको एन लिखेंगे। अगर आप टू पे सिग्मा अप्लाई करोगे तो उसका आंसर आएगा टू एन, हम लिखेंगे टू टू एन, ठीक है, वैसे टू एन ही लिखेंगे। अब ये आंसर कैसे बना एन या टू एन, सिग्मा का मतलब होता है कि वो टर्म्स ऐड हो रही हैं, ठीक है। के क्या है, वन से लेकर एंड, एन टाइम्स अब आपके पास वन ऐड हो रहा है। अब ज़रा देखो, अगर हम वन को थ्री टाइम्स ऐड करते हैं यानी तीन दफ़ा जमा करते हैं तो आंसर क्या होगा, थ्री। फोर टाइम्स जमा करते हैं प्लस करते हैं तो आंसर आएगा फोर। इसी तरह जब आप उसको एन टाइम्स प्लस करोगे तो आंसर एन आ जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सिग्मा अप्लाई करने के बाद एन आ गया। अब आपके पास क्या बना है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू टू सिग्मा के माइनस एन, ठीक है। उसके बाद सिग्मा के को इधर ही रखें, माइनस एन दूसरी तरफ जाएगा प्लस एन हो जाएगा, इसमें से एन कॉमन ले लें, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ये वाला टू जो सिग्मा के साथ था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट फार्मूला प्रूव हो गया, सिग्मा के इक्वल टू वन टू एन, के इज इक्वल टू एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अगर आपके पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हों उनका सम हो तो हम उसको सिग्मा के पहले लिखेंगे, ठीक है, और फिर सिग्मा के की जगह ये वाला फार्मूला लिख देंगे। अब देखें नेक्स्ट फार्मूला प्रूफ करने के लिए, कंसीडर द आइडेंटिटी के क्यूब माइनस के माइनस वन होल क्यूब इज इक्वल टू, इसके बराबर आएगा। ये कैसे आएगा क्यूब, ज़रा क्यूब का फार्मूला हम याद करते हैं,
रिवाइज करते हैं, ए माइनस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको फॉलो करेंगे। अब मैं के माइनस वन होल क्यूब का फार्मूला आपको ओपन करवाती हूँ, नेगेटिव बाद में उस पर अप्लाई करेंगे। के क्यूब ठीक है माइनस वन क्यूब माइनस थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री के, ठीक है जब आप नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, फिर के क्यूब से के क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास ये आंसर बच जाएगा थ्री के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस वन। ठीक है अब ज़रा फिर हम बैक चलते हैं, पिछले पेज पे चलते हैं, फार्मूला रिवाइज करते हैं। के की पावर एम माइनस के माइनस वन रेस टू द पावर एम इज इक्वल टू एन रेस टू द पावर एम। आप वन लेंगे तो एन की पावर वन आ जाएगा, टू लेंगे तो टू, और अब हमने थ्री लिया पावर को, एन की जगह क्या लिया थ्री, तो यहाँ पे एन की पावर थ्री आंसर आ जाएगा जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है ना एन क्यूब। उसके बाद आपने लेफ्ट साइड पे सिग्मा अप्लाई कर देंगे थ्री के स्क्वायर पर माइनस थ्री के पे और प्लस वन पे। जब आप थ्री के स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे तो थ्री बाहर आ जाएगा, सिग्मा के स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह माइनस थ्री के पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस थ्री और सिग्मा की आ जाएगा, और वन पे अप्लाई करेंगे तो क्या रूल है एन आ जाएगा इसकी जगह। उसके बाद आपके पास सिग्मा के का आंसर मौजूद है, ये आपने दस करके जो लिखा हुआ है हमने अभी एवेलुएट किया। ठीक है उस एन क्यूब को इधर ही रहने दें, सिग्मा माइनस थ्री सिग्मा के को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाओ और प्लस एन को भी दूसरी तरफ ले जाओ, नेगेटिव एन हो जाएगा। अब सिग्मा के की जगह आप उसका आंसर लिख दो एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये कहाँ से आया, ये जो अभी हमने अवेलुएट किया वो वाला। ठीक है वो हमने लिख दिया, अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए एन क्यूब माइनस एन प्लस थ्री सिग्मा के की जगह उसकी वैल्यू, अब ये जो आपके पास है एन क्यूब माइनस एन, ये इसकी फैक्टराइजेशन है, ये कहाँ से आई देखें। सबसे पहले तो आप इसमें से एन कॉमन ले लें, एन स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस वन जो है आप उसको लिख सकते हो एन माइनस वन एन एन प्लस वन, वही आया। ठीक है उसके बाद अब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसमें से एन और एन प्लस वन कॉमन आ सकता है वो ले लें, एन माइनस वन पहला बच जाएगा और दूसरे में थ्री बच जाएगा डिवाइडेड बाई टू। अब इधर ब्रैकेट वाले का एलसीएम ले लें, टू एलसीएम आएगा टू एन माइनस टू प्लस थ्री, ये देख लें माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन बच जाएगा। ठीक है ये रिजल्ट आ गया। ठीक है यही फाइनल आपके पास प्रूव हो गया किसका आंसर, सिग्मा के स्क्वायर का। ठीक है हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम पावर लेंगे फोर। ठीक है नेक्स्ट फार्मूले को सॉल्व करने के लिए अब देखें के माइनस वन रेस टू द पावर फोर जब आपने ओपन किया तो आपके पास ये आंसर आया। स्टूडेंट्स अगर आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लें, अदरवाइज के माइनस वन का स्क्वायर ओपन करें फिर उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दें दोबारा, के माइनस वन स्क्वायर यानी स्क्वायर स्क्वायर करके कर दें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो चाहे तो डायरेक्ट पावर फोर वो अभी आपको नहीं आएगी ओपन करना, चूँकि वो हमने ना पावर ओपन करना सीखनी है चैप्टर नंबर एट में बाइनोमियल वाले में। तो आप ऐसे करो के माइनस वन का स्क्वायर के माइनस वन का स्क्वायर होल दो दफ़ा स्क्वायर ओपन करके उनको आपस से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है उसके बाद अब आपने कंसिडर करना है के फोर माइनस के माइनस वन रेस टू द पावर फोर। ठीक है ये इसके बराबर है, दोनों तरफ अब आपने समेशन अप्लाई करना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बुक के। जब आपने समेशन अप्लाई किया तो लेफ्ट साइड पे आपने देखा कि एन की पावर फोर, वही रीज़न जो हम बार बार पिछले पेज पे जाके देखते हैं। ठीक है ना एन की पावर एम, एन वन है तो एन की पावर वन आ जाएगा, एन टू है तो टू, थ्री है तो थ्री, फिर फोर है तो फोर आ गया। फिर इस लेफ्ट राइट साइड पे हम सिग्मा अप्लाई करते हैं, के क्यूब पे अप्लाई हो जाएगा के स्क्वायर पे, के पे और कॉन्स्टेंट सिग्मा से पहले लिख लेंगे, वन पे अप्लाई होगा तो एन आ जाएगा। ठीक है उसके बाद सिग्मा फोर सिग्मा के क्यूब को इधर ही रखें, बाकी सब वैल्यूज को इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाएं, जिस साइड पे एन रेस टू द पावर फोर है आपके पास आ जाएगा एन रेस टू द पावर फोर प्लस एन प्लस सिग्मा सिक्स सिग्मा के स्क्वायर माइनस फोर सिग्मा के। अब सिग्मा के स्क्वायर और सिग्मा के दोनों के आंसर हम एवेल्युएट कर चुके हैं पिछले पेज पे, मैं आपको शो कर देती हूँ। देखें ज़रा ये सिग्मा के का आंसर है
और ये सिग्मा के स्क्वायर का है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज हमने कहाँ पुट करनी है, अब ये जो हम एक्सप्रेशन कर रहे थे इसमें सिग्मा के स्क्वायर की जगह सिग्मा के स्क्वायर, ठीक है, और सिग्मा के की जगह सिग्मा के की वैल्यू। उसके बाद एन की पावर फोर प्लस एन है, ठीक है, एन की पावर फोर प्लस एन है। इसमें से आपने इसको फैक्टराइजेशन करनी है। कैसे करेंगे मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले एन कॉमन ले लें, आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा एन क्यूब प्लस वन। जिस तरह आप फैक्टराइजेशन करते हो ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। उस फार्मूले को फॉलो करते हुए आपने ये आंसर लिख लेंगे। प्लस सिक्स सिग्मा के स्क्वायर की जगह उसका आंसर, माइनस फोर सिग्मा के की जगह उसका। अब उसके बाद आपने क्या किया है, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, और उसके बाद टू से माइनस फोर कैंसिल किया तो माइनस टू बच गया। आपके पास जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लें, ठीक है। आपके पास आ जाएगा देखो एन और एन प्लस वन पूरे एक्सप्रेशन में मौजूद है, उसको कॉमन ले लो। फर्स्ट वाले में क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, सेकेंड वाले में टू एन प्लस वन, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया। थर्ड वाले में माइनस टू बचेगा चूँकि एन और एन प्लस वन हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें जो कैंसिल होती हैं टर्म्स उनको कैंसिल कर दो, बल्कि कैंसिल कोई भी नहीं होगी। ये देखिए माइनस एन और प्लस टू एन हल होकर एन बच जाएगा, वन प्लस वन टू आ जाएगा, नेगेटिव टू से कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला आंसर दो दफ़ा आ गया तो इसको एज आ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरफ था आपके पास फोर सिग्मा के क्यूब, फोर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब आपने इसको स्क्वायर में लिखा तो टू लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर फोर के बराबर हो जाएगा। अब ये तीनों फार्मूलाज आपके पास अवेलुएट हो गए हैं, अब हम इनको क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, ठीक है।